अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। ये डबल कॉलर डिज़ाइनिंग वाला मैं आज आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले तो आपने जो है आम कॉलर जो होता है उसको छांट लेना है। ये आम कॉलर है टू पीस, और जो इसका ऊपर वाला जो लप्पा होगा उसको नीचे वाली साइड से बराबर कर ऊपर जो है दबाव छोड़ देना है जितना आपने डिज़ाइन तैयार करना है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ पेंसिल के साथ, वाइट बुकरम में सोच नज़र नहीं आ रही है। मैंने जो है ना इधर से काटा हुआ, ये देख सकते हैं ऊपर से छांटी किया हुआ है कितना जो है नज़र आना चाहिए नीचे वाला कलर। उसके बाद जो है आपने जो नीचे वाला कलर होगा नंबर वन वाला लपा जो डिज़ाइनिंग वाले पीस के ऊपर चिपका देना है, और उसके बाद जो एक ऊपर वाला लपा था वो हमने सादे पीस के सेम के जो पीस होगा कपड़े का उसके ऊपर चिपका देना है। ये रेडी हो गया जी, मैंने खर्चा चिपका लिया। उसके बाद अब चलते हैं मशीन के ऊपर, मैं आपको डबल कलर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है जी हम कॉलर जो है तैयार करेंगे, यानी कि सिलाई लगा के इसको सीधा करेंगे। इसी तरह हमने दोनों कॉलरों को जो है सिलाई लगा कर, जैसा कि आपको मालूम है किस तरह सिलाई लगती है, उसके बाद सीधा कर लेना इन दोनों को। फालतू दबाव हम जो है काट देंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद ही हम इसको इस्त्री मारेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम जो डिज़ाइनिंग वाला पीस है उसके साथ का धागा लगाकर इसको आधे पैर की सिलाई लगा देंगे, और नीचे से इस तरह जो है हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह जो है फिर जो हमारा सादा पीस था उसको भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे आधे पैर की। आप चाहे पैर की लगाएँ, डबल सिलाई लगाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इसको भी इसी तरह जो है नीचे से काट देंगे। पहले डबल बैन वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो मैंने कहा था आज कॉलर की भी हो जाए। ये देखें जी, टुके के साथ आपने टुका मिलाना है सेंटर वाला, और ये चीज़ तैयार आ जाएगी आपकी। इस तरह कैप इतना आएगा बिल्कुल, जो है आपने बराबर रखकर नीचे से कॉलर को ये इस तरह जो है जोड़ लेना है। पहले बिल्कुल बराबर रखना है, दोनों साइडों से दबाव जो है बराबर होना चाहिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों हम जो है बैन लगाएँगे। जैसा कि आपको मालूम है कि टू पीस कॉलर का बैन जो है किस तरह लगता है, उसी तरह जो है इसका बैन लगाया जाएगा। इंतहाई आसान तरीका का आ रहा है इसका। आप चाहें तो ये नीचे वाला जो डिज़ाइनिंग वाला पीस हमने नीचे लगाया है वो ऊपर भी कर सकते हैं, और चाहें तो कॉलर के ऊपर काज भी करा सकते हैं। जो ऊपर वाला होता है फैंसी काज होते हैं, यानी कि शो काज होते हैं, सिर्फ उनके ऊपर बटन नहीं होता, उससे और अच्छा लगता है। नहीं तो मैं ज़रूर काज कराता, मुझे कस्टमर्स को मैंने बोला था काज कराए, उसने मना कर दिया, नहीं तो मैं ज़रूर कराता, तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता। ये जी हमारा जो है ना कॉलर तैयार हो गया, टू पीस कॉलर डबल। ये देखें जी नीचे ये है, तो ये चीज़ तैयार आएगी। एक खूबसूरत कॉलर है, आप इस तरह लगाएंगे इसको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।